हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मधुबनी पेंटिंग में चांद कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। इसे चंद्र बोलते हैं। आपको पहले हाफ सर्कल लेना है, इस तरीके से आप हाफ सर्कल बना लेंगे। एक और बॉर्डर लाइन लेने हैं आपको। इसे थोड़ा बोल्ड रखेंगे। आप इसे भी डबल लाइन कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे डबल लाइन कर लेंगे। फिर आप आईज, नोज एंड लिप्स बना लेंगे। मधुबनी पेंटिंग में आँख बोल्ड होती है, तो आप आँख बोल्ड बनाएंगे इस तरीके से। ये आईब्रो है, आप हेयर बना लेंगे। इस तरीके से आप यहाँ कछनी से इसे फिल कर देंगे दोनों साइड। यहाँ कलर फिल कर देंगे। इस तरीके से आप पूरा ही कलर फिल कर लेंगे। आप मेरी वीडियो देखते देखते भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोज में भी बताया है, आपको कई सारे लेसन्स दिए हैं कि कैसे मधुबनी पेंटिंग में मोटिव्स बनाते हैं। आप कभी ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना आपने कैसे मोटिव्स बनाया, और आपके कोई सजेशन हो वो भी आप मुझे दे सकते हो, बता सकते हो। आँख को भी और बोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब आप मोटिव क्रिएट करेंगे। और इसी की आप डबल लाइन कर देंगे।
जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आपको मधुबनी पेंटिंग में डबल लाइन करने ही होते हैं। सो आप इस मोटिव को भी डबल लाइन कर देंगे। इस तरीके से आप डबल लाइन करके इसे कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से आपको ये मोटिव बनाने हैं और यहाँ कछनी भी करना है। आप पहले पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप फाइनल ड्राइंग पेन से या नीब से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इससे पहले वाले लेसन्स में बताए हैं, आप देख सकते हैं उन सारे लेसन्स को और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। मैंने शंख बनाना सिखाया है, पैरट बनाना सिखाया है, इनसे पहले वाले मोटिव में एलिफेंट बनाना सिखाया है। आप ट्राई करना और मुझे बताना आपको कैसा लगा बनाकर, और आपको कहाँ प्रॉब्लम आई या आपके कोई सजेशन हो वो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। आप इसको कछनी से पूरा फिल कर देंगे। इस तरीके से आप पूरा ही फिल कर देंगे। आप कोई भी मोटिव जो सीखना चाहते हो, जो कि आप अपने पेंटिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इस तरीके से आपको आउटलाइन बनाना है, इसे डबल लाइन कर देनी है। इसे मैं थोड़ा डेकोरेट करूँगी, आप भी उसे डेकोरेट कर सकते हो। इस तरीके से फिर से डबल लाइन। थोड़ा आप इसे डेकोरेट करेंगे कि ये मुकुट की तरह दिखाई दे। यहाँ मैं कछनी कर रही हूँ। यहाँ भी आप कछनी से इसे पूरा फिल कर देंगे।
इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आपको मधुबनी पेंटिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख, ये मेरी इच्छा है कि आप मधुबनी पेंटिंग को अच्छी तरीके से सीख लें, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप बड़ी पेंटिंग बनाएं। इसलिए मैं मोटिव से स्टार्ट की हूँ ताकि उन लोगों को सीखने को आसान हो जो मधुबनी पेंटिंग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलती। मेरे ट्यूटोरियल के थ्रू आप आराम से कोई भी मधुबनी पेंटिंग बना सकते हो किसी भी मोटिव को यूज करके। सो आप ट्राई करना मेरी पेंटिंग को देखकर घर में बनाने की। मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर सीख जाएंगे और मुझे खुशी होगी यदि आपको मेरी ट्यूटोरियल से फ़ायदा हो और आप अपनी पेंटिंग मुझे शेयर भी कर सकते हैं कि आपने कैसी पेंटिंग बनाई मेरे मोटिव को देखकर, आपने कैसे इसको यूज किया अपने पेंटिंग को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। मुझे बहुत खुशी होगी। सो आप ज़रूर शेयर करें। इस तरीके से डबल लाइन कर देंगे। इसे भी मोटिव से भर देंगे। मैं आपको ये चंद्र बहुत ही ट्रेडिशनल वे में बता रही हूँ जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, ये बिल्कुल वैसी ही मैं बता रही हूँ। आजकल लोग इसे कंटेम्प्रेरी भी बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स को यूज करके एंड थोड़ी फाइन आर्ट्स की तरह इसका लुक चेंज करके। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आप ज़रूर इस पेंटिंग को ट्राई करें, इस मोटिव को ट्राई करें पेंटिंग में यूज करके। मधुबनी पेंटिंग में कई सारी ऐसे सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनाई जाती हैं जिसमें चंद्र की बहुत यूज होती है पेंटिंग को कंप्लीट करने के लिए। सो आपको ये सीखना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने अपने ट्यूटोरियल में ये डाला ताकि आप सीख सकें और अपने पेंटिंग में इसको इस्तेमाल कर सकें। आपका चंद्र ऑलमोस्ट रेडी हो गया, थोड़ा वर्क बैलेंस है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आप चाहे तो अल्टरनेट इसे कचनी से भी भर सकते हैं तो ये देखने में और भी अट्रैक्टिव लगेगा इस तरीके से। आप कचनी से इसे फिल कर लें।
और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी वीडियो आपके काम आ रही है या और इसे बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं ताकि आप इसे और अच्छी तरीके से यूज करें अपने पेंटिंग में। मुझे बहुत खुशी होगी आप अपनी बात को मुझे से शेयर करें तो। इस तरीके से कचनी से ये पूरा आप फिल कर देंगे। यहाँ आपका चंद्र रेडी है बिल्कुल, और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसे किसी भी पेंटिंग में यूज कर सकते हैं, ये आपकी पेंटिंग को चार चांद लगाता है। थैंक यू।